नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अमीर बनना चाहते हैं तो किसी को नहीं दे ये चीजें, दुर्भाग्य नहीं छोड़ेगा साथ। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने घरों में अक्सर बड़ों को कहते सुना होगा कि किसी को अपना रुमाल मत दो या किसी को अपना पेन मत दो, लेकिन क्या आप जाने हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है? यदि नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। दरअसल वास्तु में कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख किया गया है जिनका लेन देन वर्जित माना गया है। यदि आप भी इन चीजों को आदान प्रदान करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पेन, आपको बता दें कभी भी आपको अपना पेन न तो किसी को देना चाहिए और न ही किसी से लेना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करना आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए आपको इस बार का हमेशा ध्यान रखना है कि आप किसी से, खास तौर पर अपनों से पेन के लेन देन से बचें। कंघा, वास्तु अनुसार कंघे का उपयोग आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में डाल सकता है। जी हाँ, अगर आप भी किसी से कंघे का लेन देन करते हैं तो आपको ये मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप कभी भी न तो किसी की कंघी उपयोग करना चाहिए और न ही बालों में उपयोग करने वाली कोई भी चीज उपयोग करनी चाहिए। अंगूठी, आपको बता दें ज्योतिष शास्त्र में अंगूठी को जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से जोड़कर देखा गया है, यानी अगर आप भी किसी और की अंगूठी न पहननी चाहिए, इसलिए न तो किसी से अंगूठी लें और न ही किसी को अंगूठी दें। कपड़े, आपने अक्सर देखा होगा कि घर में बड़े बुजुर्ग दूसरों के कपड़े पहनने से मना करते थे। आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण है? दरअसल ज्योतिष में दूसरों के कपड़े पहनने की मनाही है, ऐसा करना आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। हो सकता है ऐसा करना आपको दुर्भाग्य की ओर धकेल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।